आज मैं लेकर आई हूँ क्रीम चीज़ सैंडविच, जो आसानी से आप घर पर बना सकते हैं, जो बच्चों के टिफ़िन में और ब्रेकफास्ट में आप बनाकर दे सकते हैं। तो चलिए, मैं हूँ आपकी सुप्रिया। मेरे साथ न्यू रेसिपी को सीखने और देखने के लिए क्रीम चीज़ सैंडविच बनाने के लिए सबसे पहले हम स्टफिंग बनाएंगे। इसके लिए हम पहले आधा कप बारीक कटा प्याज लेंगे, फिर आधा कप बारीक कटा टमाटर लेंगे। मैंने यहाँ टमाटर का बीज निकाल दिया है। शिमला मिर्च आधा कप बारीक कटा लेंगे। गाजर आधा कप बारीक कटा लेंगे। राजमा बॉईल किया हुआ मैंने नमक डाल के पहले बॉईल कर लिया था, 1/4 कप ले रही हूँ। फिर थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर 1/4 चम्मच डालेंगे। फिर नमक स्वाद के अनुसार हम डालेंगे। यहाँ चिली फ्लेक्स आधा छोटा चम्मच डालेंगे। ऑरिगेनो आधा छोटा चम्मच डालेंगे। और मिक्स हर्ब आधा छोटा चम्मच डालेंगे। यहाँ मैं क्रीम चीज़ डाल रही हूँ, आप मेयोनीज भी डाल सकते हैं। क्रीम चीज़ 2 से 3 बड़ा चम्मच डाल रही हूँ, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसे अच्छी तरह से आप मिला लीजिएगा। थोड़ा कम क्रीम चीज़ लग रहा है, मैं थोड़ा और क्रीम चीज़ डाल रही हूँ, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो देखिए, क्रीम चीज़ स्टफिंग रेडी है। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, ब्रेड स्लाइस लेंगे। मैं यहाँ ब्राउन ब्रेड यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी ब्रेड ले सकते हैं। ब्रेड पर बटर पहले लगा लेंगे। मैं यहाँ 3 ब्रेड मिलाकर एक सैंडविच बना रही हूँ, उस हिसाब से आप सभी ब्रेड पर बटर लगा लीजिए। बटर ब्रेड के दोनों ओर हम लगा लेंगे। अच्छे से लगा लीजिए। अब हम मीडियम फ्लेम पर सैंडविच के बीच वाले ब्रेड को दोनों ओर से लाल करेंगे। अच्छे से इसे लाल हम कर लेंगे। निकाल लीजिए। अब सैंडविच के ऊपर और नीचे वाले ब्रेड के अंदर वाले भाग को हम लाल करेंगे। हम ब्रेड को यहाँ इसलिए लाल कर रहे हैं क्योंकि इसके अंदर हम स्टफिंग डालेंगे। स्टफिंग डालने के बाद हम ब्रेड को फिर गैस पर लाल नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप पहले इसे बटर लगा के लाल कर ले। अब हम यहाँ फर्स्ट लेयर रेडी कर रहे हैं। फर्स्ट लेयर में हम क्रीम चीज़ स्टफिंग लगाएंगे जो हमने बना के रखा है। यहाँ मैं करीब 2 टेबल स्पून डाल रही हूँ। और सेकेंड लेयर में मैं टोमेटो केचप लगा रही हूँ। इसे आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसे अच्छे से फैलाते हुए लगा लीजिए। फिर ब्रेड के ऊपर हम कटा हुआ खीरा डालेंगे, अपने हिसाब से आप इसे कर लीजिए। फिर कटे हुए टमाटर, कटे हुए प्याज और कटे हुए शिमला मिर्च से इसे हम सजाएंगे। फिर इसे फर्स्ट लेयर के ऊपर हम रख लेंगे और फिर इसके ऊपर चिली फ्लेक्स थोड़ा हम डाल देंगे, नमक और थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर डाल देंगे। मैं यहाँ 2 बड़ा चम्मच मोजरेला चीज़ डाल रही हूँ। आप ये स्किप भी कर सकते हैं, आप बिना चीज़ के भी यहाँ बना सकते हैं। मैं यहाँ बच्चों के लिए सैंडविच बना रही हूँ, इसलिए मैं थोड़ा चीज़ डाल रही हूँ। फिर ब्रेड रखकर इसे हम मीडियम फ्लेम पर रोस्ट करेंगे। इसे मीडियम फ्लेम पर ही हम दोनों तरफ सेकेंगे और दाबते हुए हम इसे सेकेंगे। थोड़ा ऊपर बटर लगा लीजिए जिससे ये और भी ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएगा और ब्रेड अच्छे से लाल भी हो जाएगा। इससे दाबते हुए हम सेकेंगे जिससे अंदर चीज़ मेल्ट भी हो जाएगा आसानी से। धीरे से पलटे इसे, देखिए कितना अच्छा से लाल हो गया है। दोनों तरफ हम मीडियम फ्लेम पर ही लाल करेंगे। इसे दाबते हुए हम ऐसे ही लाल करेंगे। देखिए, क्रीम चीज़ सैंडविच मेरा बनकर एकदम रेडी है। झटपट बन जाने वाला ये रेसिपी है। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड एंड फैमिली में शेयर ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल को भी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। देखिए कितना सुंदर सा क्रीम चीज़ सैंडविच बनके रेडी है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में।